हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को आप कार्डिगन स्वेटर, बेबी स्वेटर, जैकेट, फ्रॉक, ब्लैंकेट किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। ये डिज़ाइन सिर्फ 8 रोज का डिज़ाइन है, आपको 1 से 8 रोज तक ही रिपीट करना है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मल्टीपल ऑफ 18 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच में फंदा लेना होगा। मल्टीपल ऑफ 18 प्लस 1 प्लस 2। रंग साइड पे ऐसे दिखता है। रंग साइड पर आपको सब उल्टा बुनना है। रंग साइड रोज इसमें मैंने मल्टीपल ऑफ 18 2 टाइम्स 18 प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिच करके टोटल 39 फंदा डाला है। फर्स्ट रो आपको ये राइट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो में एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। फर्स्ट में 3 फंदा उल्टा बुनना है, 1 2 3। अब 1 2 इस 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से। 1 2 इस 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है। अब यहाँ पर आपको ट्विस्ट करना है 2 2 फंदों को। आगे से ट्विस्ट करना है। फर्स्ट में इस 2 फंदों को लेना है, 1 2 इस 2 फंदों को लेना है, फिर इस 2 फंदों को छोड़ देना है। इसे क्रॉस करना है। अब ये 2 फंदों को फिर से लिफ्ट में लेना है, 1 2 सारी धागे को पीछे रखना है। अब ये 4 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3 4। अब एन ओवर 1 फंदा सीधा एन ओवर करना है। एन ओवर पीछे से, फिर 1 फंदा सीधा, फिर से एक बार एन ओवर करना है। अब यहाँ पर आपको पीछे से बैक से ट्विस्ट करना है 2 फंदों को, फिर आगे के 2 फंदों को छोड़कर इसे क्रॉस करना है। फिर 4 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3 4। अब धागा आगे करना है। अब 1 2 इस 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से। अब 2 फंदा उल्टा, 1 2। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ही रिपीट करना है बार बार। इस स्लिप फंदे को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करना है, 1 2 3 4। फिर एन ओवर 1 फंदा सीधा, एक फिर से एन ओवर, फिर 4 फंदों को ट्विस्ट करना है बैक से, फिर 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से, फिर लास्ट में 2 फंदा उल्टा, 1 2। फिर से रिपीट करना है यहाँ पर, 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब 2 फंदों को 1 फंदा बनाना है उल्टे से, 1 2। अब ट्विस्ट करना है आगे से, इस 2 फंदों को लेना है, इसे क्रॉस करना है। अब ये 4 फंदों को, सॉरी इस धागे को पीछे रखना है, इस 4 फंदों को सीधा बुनना है, 1 2 3 4। अब एन ओवर
एक फंदा सीधा एन ओवर करना है। अब ट्विस्ट करना है बैक से, दो फंदों को लेना है, ऐसे क्रॉस करना है। अभी चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब धागा आगे करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। अब दो फंदा उल्टा, एक दो, यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है। आपको ही रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा ताकि पीछे एक फंदा सीधा एज इट इज। फर्स्ट रो कंप्लीट कर लिया है, अब सेकेंड रो। सेकेंड रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सेकेंड रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब थर्ड रो। थर्ड रो राइट साइड फर्स्ट में एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे करना है, दो फंदा उल्टा, एक दो। अब एक दो, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, इससे दो फंदों को एक फंदा बनाना है। अब यहाँ पर ट्विस्ट करना है, इस चार फंदों को धागा पीछे करना है, इस दो फंदों को लेना है, आगे से ट्विस्ट करना है, फिर दो फंदों को बैक से, फिर ऐसे क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर एक फंदा सीधा एन ओवर दो बार करना है, एक फंदा सीधा एन ओवर एक, एक फंदा सीधा एन ओवर दो, फिर लास्ट में एक फंदा, फिर से एक फंदा सीधा बुनना है। अब बैक से पीछे से ट्विस्ट करना है दो फंदों को, इसे क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब धागा आगे करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, दो फंदों को, लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। आपको रिपीट करना है दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर चार फंदों को ट्विस्ट करना है, एक दो तीन चार आगे से, फिर एन ओवर एक, सॉरी, एक फंदा सीधा एन ओवर दो बार करना है, एक दो, फिर लास्ट में एक फंदा सीधा, फिर चार फंदों को बैक से ट्विस्ट करना है, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर लास्ट में एक फंदा उल्टा। फिर से रिपीट करना है, यहाँ पर धागा पीछे करना है, सॉरी, धागा आगे रखना है, दो फंदा उल्टा, एक दो, फिर दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। अब ट्विस्ट करना है धागा पीछे, आगे से ट्विस्ट करना है, एक दो। क्रॉस करके चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब एक फंदा सीधा एन ओवर दो बार करना है, एक फंदा सीधा एन ओवर एक, एक फंदा सीधा एन ओवर दो, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से बैक से ट्विस्ट करना है
दो फंदों को लेना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है। से अब धागा आगे करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, लास्ट में एक फंदा उल्टा। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको ये दो फंदा बचेगा, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा स्टिच बुनना है। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है, अब फोर्थ रो। फोर रो में आपको रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। फोर्थ रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब फिफ्थ रो। फिफ्थ रो राइट साइड एक फंदा स्लिप करना है, फिर यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, अब दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से ऐसे। अब यहाँ पर ट्विस्ट करना है, इस चार फंदों को धागा पीछे रखना है, आगे से दो फंदों को लेना है, ऐसे क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एन ओवर, एक फंदा सीधा, फिर से एन ओवर, फिर दो फंदा सीधा बुनना है, एक दो। अब यहाँ पर पीछे से ट्विस्ट करना है इस धागे को, इस दो फंदों को लेना है, इसे क्रॉस करना है। अब ये दो सॉरी चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब धागा आगे करना है, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, स्लिप फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको ये रिपीट करना है बार बार। आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर चार फंदा को ट्विस्ट करना है आगे से, फिर दो फंदा सीधा, एक दो, फिर एक बार एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ट्विस्ट करना है चार फंदों को, एक दो तीन चार, फिर लास्ट में दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। फिर से एक बार रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, फिर धागा पीछे करना है। अब आगे से ट्विस्ट करना है, दो फंदों को लेना है, फिर ऐसे क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को ट्विस्ट सॉरी चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब ये बीच के दो फंदा सीधा, एक दो एन ओवर, एक फंदा सीधा एन ओवर, दो फंदा सीधा, एक दो। अब पीछे से ट्विस्ट करना है, इससे क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक
दो तीन चार। अब धागा आगे दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। फिर लास्ट में दो फंदा बचेगा, इस दो फंदों को एक फंदा उल्टा धागा पीछे, एक फंदा सीधा स्टिच। फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया है, अब सिक्स रो। सिक्स रो है रॉन्ग साइड, सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। सिक्स रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है, अब सेवेंथ रो। सेवेंथ रो राइट साइड, फर्स्ट में एक फंदा स्लिप करना है, फिर धागा आगे करना है, दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, दो फंदों को। अब यहाँ से आपको रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, धागा पीछे करना है, आगे से दो फंदों को ट्विस्ट करना है, दो फंदों को से क्रॉस करना है। अब ये चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एंड ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एक बार एंड ओवर करना है, और फिर से तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब यहाँ पर पीछे से ट्विस्ट करना है, दो फंदा को लेना है, ऐसे क्रॉस करना है। अब ये दो फंदों को लेफ्ट में लेकर इस चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। फिर धागा आगे, अब यहाँ पर एक दो तीन, इस तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से, एक दो तीन। यहाँ तक एक बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है, इस दो फंदों को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक आपको रिपीट करना है, चार फंदों को ट्विस्ट करना है, एक दो तीन चार, आगे से ट्विस्ट करना है, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एंड ओवर, एक फंदा सीधा एंड ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर पीछे से ट्विस्ट करना है, एक दो तीन चार, फिर लास्ट में तीन फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। लास्ट में आपको ये एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह फंदा बचेगा, इस अठारह फंदा को धागा पीछे करना है, आगे से ट्विस्ट करना है, दो फंदों को लेकर फिर चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। अब तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, सॉरी तीन फंदा सीधा, फिर एंड ओवर करना है, फिर एक फंदा सीधा, फिर से एक बार एंड ओवर, फिर तीन फंदा सीधा, एक दो तीन। अब पीछे से ट्विस्ट करना है,
अभी चार फंदों को सीधा बुनना है, एक दो तीन चार। यहाँ पर आपको दो फंदा ही बचेगा। यहाँ पर हमने तीन फंदों को एक फंदा बनाया है, लेकिन यहाँ पर दो फंदा बचेगा, इस दो फंदों को एक फंदा बनाना है उल्टे से। यहाँ तक दो बार रिपीट हुआ है, आपको ये रिपीट करना है बार बार। लास्ट में आपको एक फंदा एज स्टिच इसको सीधा बुनना है। एट रो सॉरी सेवन रो कंप्लीट कर लिया है। एट रो रॉन्ग साइड सब उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। ये लास्ट रो एट रो सब उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। देखिए एट रो में आपको ऐसा डिजाइन आएगा। आपको वन से एट रो तक ही रिपीट करना है। फिर से आपको ये राइट साइड से रो वन से स्टार्ट करना है। फिर आपको लास्ट में ऐसा फुल डिजाइन आएगा। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बाय।